तो जैसा मैंने आप सभी से कहा था कि मैं आर्ट स्ट्रीम को इस बार स्किप नहीं करूंगा, और एक्चुअल में आज की वीडियो आर्ट स्ट्रीम को लेकर के कंप्लीट वीडियो होने वाली है, और इससे बेस्ट स्ट्रेटजी, इससे बेस्ट आपको कहीं पर भी वीडियोस नहीं मिलेंगी। मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बताने वाला हूं कि किस तरीके से 4 महीने के अंदर तुम अपनी पूरी कंप्लीट आर्ट्स को कंप्लीट कर जाओगे। 4 महीने सिर्फ एक टाइम फ्रेम है, हो सकता है कि तुम उससे कम के अंदर कंप्लीट कर जाओ, लेकिन तुम कंप्लीट कर जाओगे। हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें मिलने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, ये नहीं बोलता था मैं, हाँ चैनल पे बने रहो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम। तो सबसे पहले आपके आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, दूसरा है आपका ज्योग्राफी, तीसरा आपका पॉलिटिकल साइंस, और चौथा आपका इकोनॉमिक्स, और एक है आपका इंग्लिश। ये आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा फाइन आर्ट्स भी होता है, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट है, बट जो मेन सब्जेक्ट है वो आपके इतने ही होते हैं। इसके अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट हो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, मैं उसके ऊपर पॉसिबल हुआ तो आप सभी को सारी चीज़ें ला करके दूंगा, चाहे वो और भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी मैं इस वीडियो के अंदर सब डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं तुम्हारी हिस्ट्री से। अब देखो हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के अंदर आपकी NCERT जो बुक है वो टोटली 100% इनफ है। आपको बाहर से कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, 100% आपकी जो NCERT है वो इनफ है। आप इससे पूरे 100 मार्क को स्कोर कर सकते हो अपनी एग्जाम के अंदर। बट दिक्कत आती है भाई, NCERT तूने बोल दिया लेकिन उसकी लैंग्वेज इतनी भारी है। हाँ, उसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे निकाल करके रखा है, वो है तुम्हारे बेस्ट यूट्यूब चैनल। एक चैनल है तुम्हारे यहाँ पे एकलव्य स्टडी, ठीक है, एकलव्य स्टडी जो भी आपका चैनल है वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। अगर आप लोग हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो तो इस चैनल को जा करके ज़रूर देखना, बहुत ही बेस्ट लेक्चर है, बहुत ही बेस्ट। इसके बाद है तुम्हारा सेकेंड वाली जो बेस्ट लेक्चर है वो है तुम्हारा ह्यूमैनिटी एज ह्यूमन एट इज एज कुछ है, जिसमें वो दीदी कहती हैं Hi humans, वो वाला बहुत बेस्ट है। मैं मजाक नहीं बना रहा उनका, अगर वो देख रहे सॉरी, मैं आपको मजाक नहीं बना रहा, बहुत अच्छा लगता है मुझे। उसके पहले लगता था कि मैं ह्यूमन नहीं हूँ, जब मैंने उसको सुना तब मुझे लगा कि यार मैं इंसान हूँ, मैं ह्यूमन हूँ। Hi human, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है। तो ह्यूमैनिटी एज इट एट ईज करके कुछ नाम है, ठीक है, उसको आप जा करके देख लेना। एक है सिमरन साहनी का, ठीक है, वो भी अच्छा चैनल है, बट उसके अंदर थोड़े से लेक्चर्स लंबे हैं, ठीक है, देख लेना आपको जहाँ से पसंद है। ये 3 चैनल थे आपके हिस्ट्री के जो कि बेस्ट हैं, और हाई ह्यूमंस पे जाकर के देख लेना, बहुत ही अच्छे लेक्चर्स हैं, ठीक है देख लेना, बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। उसके बाद जब तुम लेक्चर्स को देख रहे हो उस समय की बात है, देखो जब तुम लेक्चर्स को देख रहे हो उस समय की बात है कि तुम्हें अपने खुद के नोट्स लिखते हुए चलने। मान लो जैसे लेक्चर चल रहा है, कुछ पढ़ा रहे हैं अपना, ठीक है, तुम्हें यहाँ पे अपने साइड बाय साइड नोट्स बनाने। कैसे बनाओगे कि जैसे मान लेता हूँ कुछ भी एग्जांपल ले लो कि फ्रांस में ना ये लड़ाई हुई थी तो उसने उसको थप्पड़ मार दिया, तो इसकी वजह से ना जर्मनी के साथ उन्होंने ले लिया, तो ये जो बंदा था ना, ये नाम था इसका जॉन टूटू, उसने जो है ना जा करके ना उसको भड़का दिया। तो इस तरीके से ना तुम स्केचेस करके अपने नोट्स को खुद मेक करो। वो समझा रहे प्रोफेशनल वे के अंदर, जो नोट्स उनके पास तैयार है वो उससे समझा रहे हैं, बट तुम यहाँ पे ना इस तरीके से करोगे कि तुम्हें खुद की तरफ से अपने खुद के नोट्स बनाओ, तुम्हें किसी को दिखाना नहीं है। उसमें तुम हिंदी लिखो, तुम उसमें उर्दू लिखो, जर्मन लिखो, ये टकलू टकलू जो होते हैं ना इन सबको बनाओ, लेकिन बनाओ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बेस्ट चीज़ है। इसके बाद सेकंड आता है तुम्हारा इकोनॉमिक्स। अब देखो इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ें, काफ़ी बच्चों के पास होगा नहीं होगा, बट सुन के जाना। सुनो, 2 सब्जेक्ट के अंदर तुम्हारा डिवाइड होता है, एक है तुम्हारा मैक्रो और एक है तुम्हारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस बारी की जो मैक्रो है ना तुम्हारी, एक चीज़ को जान लो, क्लास 11th में मैक्रो थी ना बहुत हार्ड थी, इस साल बहुत ईजी है, इसको बहुत आराम से कर जाओगे। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये आपकी जो है क्लास 11 के अंदर पहले आती थी, अब क्लास 12 में बहुत सालों से जो है रिपीट हो चुकी है, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी सबसे बेस्ट किताब कौन सी है? NCERT। ना, कभी NCERT को स्टार्टिंग फेज में मत रखना, उलझ जाओगे, फंस जाओगे, ठीक है। NCERT को स्टार्टिंग फेज में तो रखना ही नहीं है तुम्हें। मैक्रो के लिए संदीप गर्ग बहुत बेस्ट है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपकी टी आर जैन बहुत बेस्ट किताबें हैं। इन किताबों को अगर तुम ले लेते हो, और लेक्चर्स तो मैंने तुम्हें बता देता हूँ लेक्चर्स कहाँ कहाँ से देखने हैं। बेस्ट लेक्चर है तुम्हारे यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स, रजत अरोरा और सुनील पांडा और एटसेट्रा बहुत सारे हैं, ठीक है। हाई ह्यूमंस पे भी होगा, अगर आपको दिख जाए तो ठीक है, जाकर के देख सकते हो वहाँ पे, मुझे नहीं पता है, बहुत सारे अलग अलग चैनल्स हैं, और एकलव्य पे तो आपको मिलेगा हिंदी में।
तो वहां से जाकर के देख सकते हो। इकोनॉमिक्स ऑनर टिप्स बहुत अच्छा चैनल है, पुराने लेक्चर्स इनके देखना, ओल्ड वाले ठीक है, अभी वाले मत देखना, जो व्हाइट बोर्ड पे अंकल पढ़ाते थे ना 2016-17 की बात है, उस टाइम के देखना। रजत अरोरा के आप अभी के टाइम के देख लेना, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पहले वो क्या करते थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ ऐसा बता देते थे, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, अब वो आपको कंप्लीट लेक्चर देते हैं हर एक ईयर वाइज, तो अच्छा है, बहुत बेस्ट है। इसके बाद बात करते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस का। तो देखो पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपकी एनसीईआरटी है, एक है, एक किताब है एनसीईआरटी की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दूसरी आपके पॉलिटिकल इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इन दोनों को तुम लोग सिर्फ इनफ मान के चलो, इसके अलावा तुम्हें बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं, 100% ये तुम्हारा इनफ है, 100% इनफ है। यूट्यूब के लेक्चर्स तुम लोग देख सकते हो, इसके लिए मैंने बता रखा है कौन कौन से चैनल है, मैं बार बार उनको बोल करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बेस्ट लेक्चर है तुमने मैंने बता दिया ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इसके बाद आते हैं तुम्हारी ज्योग्राफी पे, तो ज्योग्राफी की बात करें तो इसके अंदर देखो एक चीज़ का ध्यान दो, ये बहुत हार्ड है, इस साल बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, मतलब पिछले साल भी हार्ड थी, इस साल भी हार्ड है। इसके अंदर तुम एनसीईआरटी तो करोगे, अच्छी बात है, एनसीईआरटी करो, 100% इनफ भी है, बट अमित सेन गुप्ता नाम का एक चैनल है ठीक है, ये बहुत ही अच्छा चैनल है ज्योग्राफी के लिए, अगर तुम ज्योग्राफी के लिए इनके चैनल को प्रेफर करते हो, फ्री में तुम सीख जाओगे बहुत सारी चीज़ों को, तुम्हें पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगी तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसके बाद बात आती है भाई कि मुझे, हाँ आपको क्वेश्चन बैंक करना पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक को एक बाय कर लो, बेस्ट सा क्वेश्चन बैंक के अंदर होते हैं तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक के अंदर तुम्हारे होते हैं सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक के अंदर होते हैं तुम्हारी नोट्स, तुम्हारे माइंड मैप। मैं नोट्स की बता देता हूँ एक चीज़ और, नोट्स मैं कुछ टाइम के अंदर तुम्हारे अपडेट कर दूंगा इसी डिस्क्रिप्शन में, अगर तुम्हें नोट्स दिख रहे हैं तो जा करके उसको डाउनलोड कर लो, नहीं दिख रहे हैं तो कुछ टाइम वेट करना, तुम्हारे नोट्स मैं डाल दूंगा ठीक है, अच्छे नोट्स होंगे उसको मैं डाल दूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हाँ मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे ही पेपर नज़दीक आएगा मैं उसका इंतज़ार करूंगा ही नहीं, हाँ मैं उसका इंतजार नहीं करूंगा, मैं आपको बीच में ही, अभी 2-4 महीने की बात है, 3 महीने की, अगस्त तक मैं आपके जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी अपलोड कर दूंगा हर एक सिलेबस वाइज, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इंग्लिश का देखो ये बात मैंने ना साइंस वालों को बताई ना कॉमर्स वालों को बताई, सिर्फ आर्ट वालों को बता रहा हूँ, इंग्लिश मैं कराने वालों, मेरे लेक्चर्स आएंगे, आप इंग्लिश के लेक्चर्स आएंगे, लेक्चर्स नहीं आएंगे यार, वो बूढ़ों वाले लेक्चर नहीं होंगे, वीडियोस होंगे, सिनेमैटिक वीडियोस ठीक है। तो लेक्चर्स आएंगे मेरे, तो मैं खुद आपको इंग्लिश कंप्लीट कराऊंगा, ये मैंने अभी तक बताया नहीं ना, डिस्क्लोज करा है ये, तुम्हें बता रहा हूँ सीक्रेट, कमेंट बॉक्स में मत लिखना अभी ठीक है। इसके बाद ग्रामर भी मैं ही कराऊंगा, सब चीज़ मैं कराऊंगा। तो इसके बाद अगर तुम इतना कर लेते हो तो तुम 100% अपनी आर्ट स्ट्रीम में फोर करके आ जाओगे, और नोट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं तुम्हें टाइम टू टाइम अभी प्रोवाइड कर दूंगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। इस बार मैं पिछले साल की तरह नहीं करने वाला कि अभी बाद में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं सब चीज़ आप